स्त्रियों को हमारे भारतीय समाज में काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नारी देवी की तरह होती है, जिसकी इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि इस दुनिया में एक नारी ही है जो माँ बन सकती है और अपने वंश को आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में औरतों के साथ दुर्व्यवहार करना हमें पाप का भागीदार बनाता है। कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, ऐसे में गलती माफ करना ही उपकार माना जाता है। लेकिन कई बार इंसान नासमझी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके लिए नरक का द्वार खोल देती हैं, जबकि कुछ गलतियां छोटी हों तो उन्हें माफ करने के बारे में एक बार विचार किया जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं जिन्हें हमें सारी उम्र का प्रायश्चित करके भी माफी नहीं मिलती है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसान को पाप का हिस्सेदार बनाती हैं। इसलिए गलती से भी औरत को ये तीन काम करते हुए कभी ना देखें, वरना आपको इसका खामियाजा पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो काम। पहला, स्त्री को स्नान करते हुए देखना महापाप होता है। स्नान हर इंसान के लिए आवश्यक है, ये हमें पूरा दिन तरोताजा भी रखता है और हमारी थकान एवं सुस्ती को दूर भगाता है। ऐसे में किसी औरत को नहाते हुए देखना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इस पाप की सजा हमें मरने के बाद भी मिलती रहती है, इसलिए भूल से भी ऐसा करने की ना सोचें। लेकिन अगर आपने गलती से स्त्री को नहाते हुए देख लिया है तो भगवान उस भूल को माफ कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के देखने का पाप हमारे हर जन्म तक हमें दंड दिलवाता है। आपने शायद भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी होगी। दरअसल कृष्ण भगवान के अनुसार औरतों को कभी भी बिना कपड़ों के स्नान करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर कोई उन्हें देख ले तो उनके लिए ये बहुत ही काफ़ी शर्मनाक बात होती है। इसके लिए जब कृष्ण की गोपियां नदी के किनारे नहा रही थीं तो उन्होंने उन सबको सबक सिखाने के लिए उनके कपड़े छुपा दिए थे। दूसरा, बच्चों को दूध पिलाते हुए देखना। एक माँ को अपने बच्चों को 9 महीने के कोख में रखती है और फिर काफ़ी पीड़ा सहने के बाद उसको इस दुनिया में लाती है। ऐसे में एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार और स्नेह बढ़ जाता है। एक नवजात शिशु के दांत नहीं होते, इसलिए वो कुछ खा भी नहीं सकता। ऐसे में केवल माँ का दूध ही उसके लिए एकमात्र पौष्टिक आहार होता है। बच्चा माँ के स्तनों से दूध का सेवन करता है और उसमें ताकत आती है। ऐसे में किसी महिला को दूध पिलाते हुए देखना घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने पर हमें नरक में भी स्थान नहीं मिलता और हमारी आत्मा इस संसार में हमेशा भटकती रहती है। तीसरा, कपड़े पहनते हुए ना देखें। कपड़े इंसान की रोटी के बाद दूसरी जरूरत बन चुकी हैं। उन्हें गर्मी और सर्दी से बचाती भी है, साथ में स्त्री की इज्जत इन्हीं कपड़ों में सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन किसी भी औरत को कपड़े पहनते हुए देखना महापाप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस गुनाह की सजा जीवन भर भुगतनी पड़ती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।